हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत सोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टेक अनंत सोनी में। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताता था, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट में आप गूगल में कैसे वन पेज साइट बना सकते हो, और गूगल का भी एक अच्छा ऑप्शन था। इसी टाइप का आज मैं एक नया ऑप्शन लेके आया हूँ कि आप वन पेज साइट जो बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपके ब्लॉग्स दिखाई दें, वो सब आपकी चीज़ें दिखाई दें कि आपको ना कोई दिक्कत हो ना कुछ हो, सीधे आपके ब्लॉग पोस्ट हो जाएं और एक आपको एक डोमेन मिल जाए जिस डोमेन को आप लोगों को बता सकें कि आप इस डोमेन पे जाइए। और जैसे कि आपको मिलता है कि www.anantvijaysoni.blogspot.com या www.anantvijaysoni.wordpress.com, तो इसी टाइप से आज मैं एक डोमेन लेके आया हूँ जिसका नाम है टम्बलर। आपने नाम तो वैसे सुना होगा, पता नहीं आपने यूज़ किया नहीं किया, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देखिए यहाँ पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अर्न मनी टिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग टिप्स, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, एसईओ ट्रिक्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड ब्लॉगिंग, फ्री थीम एंड प्लगइन्स, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। तो दोस्तों, ये रहा मेरा चैनल, आप यहाँ पे ये ब्लू ये बटन ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है इसलिए नहीं दिख रहा है, बाकी आप ये रेड बटन प्रेस करेंगे एंड देन दिस बेल आइकन, देन यू विल सब्सक्राइब मी। तो अब अपन करते हैं बात शुरू टम्बलर की। तो टम्बलर एक्चुअली है क्या? टम्बलर एक प्लेटफॉर्म है जो कि सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारी बढ़ाने में हेल्प करता है, वो बैक लिंक जनरेट करने में हेल्प करता है, यहाँ से आपके साइट पे ट्रैफिक जाएगा, आपका YouTube चैनल है YouTube पे जाएगा, जहाँ भी आपको ट्रैफिक सेंड करना है वहाँ पे जाएगा। लेकिन इसकी अच्छाई क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए अभी देखते हैं अपन, ये हो गया टम्बलर का मेन पेज, अब इसके आगे जाते हैं। टम्बलर इज़ अ सो इजी टू यूज़ दैट इट इज़ अ हार्ड टू एक्सप्लेन, मतलब बहुत ही सिंपल है यूज़ करना लेकिन इसको एक्सप्लेन करना हार्ड है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। रियली ये ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। देखिए, और नेक्स्ट टम्बलर इज़ ब्लॉग्स, ये ब्लॉग्स हो गए, इसमें ब्लॉग्स आप पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें इनका लुक एंड फील जो है वो बहुत अच्छा है। और इसके आगे चलते हैं तो इधर पर टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं, फ़ोटो, कोट्स, लिंक, चैट, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शुरू करना है। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करता हूँ, इसको लॉगिन किया मैंने अपनी आईडी के साथ। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप ये साइन अप करके और ज्वाइन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अपन ने लॉगिन किया और ये है अपना फ्रंट पेज। ठीक है, ये जो अपने को फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है ये अपना फ्रंट पेज है। आप चाहते हैं कि यहाँ से आप कुछ भी पोस्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट पोस्ट करना चाहते हैं, फ़ोटो, क्विट्स, लिंक, चैट, ऑडियो, वीडियो, जो भी आप पोस्ट करना चाहते हैं वो आप क्लिक कीजिए। वीडियो पे क्लिक करेंगे आप, इस टाइप से आएगा अपलोड अ वीडियो एंड एड वीडियो फ्रॉम वेव। तो आप किसी साइट का, अगर आपका यूट्यूब का कोई वीडियो है, मान लीजिए ये मेरा वीडियो है, मैंने इसकी लिंक कॉपी की और इधर पे क्लिक किया, इधर पे पेस्ट किया एंड ये देखिए इन्होंने डायरेक्ट कैप्चर कर लिया। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सिंपल सा आपको फिर इधर पे इसका कैप्शन वगैरह लिखना पड़ेगा कि पोस्ट गूगल सर्च एंड मैप, पोस्ट टू गूगल मैप, गूगल सर्च एंड मैप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोस्ट कर देना है। और आप टैग देना चाहें तो ब्लॉग पोस्ट इन गूगल, ये हो गया एक ब्लॉग पोस्ट। आप इसी टाइप से ब्लॉग पोस्ट बना दीजिए जो आपके इस कंटेंट से रिलेटेड हो,
जैसे कि मेरे इस कंटेंट से रिलेटेड डाल रहा हूँ मैं गूगल बिजनेस पेज। अब देखिए, और ये तो आपको वैसे भी सजेस्ट करेगा ही। ये देखिए गूगल बिजनेस पेज हो गया, मैंने इसको यहाँ पे आप देखिए ये पॉपुलर है, ठीक है। मैंने ये दो अभी किया और इसको मैंने सिंपल सा पोस्ट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे शो हो गया ये, ठीक है। अब क्या है ना, इससे क्या होगा कि मेरे इस टम्बलर पे कोई भी आएगा, यहाँ पे चेक करेगा, एक व्यूज़ बढ़ जाएगा और अर्निंग, ठीक है। ये सब मतलब अर्निंग सोर्सेज हैं। या फिर यहाँ पे अगर मैंने कोई ब्लॉग पोस्ट किया, मैं अगर टेक्स्ट लिंक डालता हूँ या सिर्फ लिंक डालता हूँ, चलिए ये छोड़िए, मैं अपनी साइट का कोई भी लिंक डाल के दिखाता हूँ आपको। ये मान लीजिए ये कोई ब्लॉग है, ये इसकी अपन लिंक कॉपी करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस किया अपन ने और अपन ने लिंक कॉपी लिंक पेस्ट की इधर, ठीक है। टाइप एंड पेस्ट अ यूआरएल, अभी अपन ने यूआरएल पोस्ट किया। अभी ये देखिए इधर पे फेच कर रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन। अब इन्होंने लिखा है कि एंटर अ टाइटल एंड समरी, अपन को उससे रिलेटेड कुछ टाइटल और समरी देनी पड़ेगी और कुछ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इधर पे एंटर टाइटल देना है तो अपन चलिए इसका टाइटल कॉपी करते हैं, शायद ये कॉपी नहीं होगा इधर से, चलिए इसको खोल ही लेते हैं। अपन ने इसको खोला, कॉपी किया, पेस्ट किया। इसकी समरी अगर देना चाहें छोटी सी, आप यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ ही थोड़ा सा होता है या लास्ट पैराग्राफ में ही समरी होती है, तो अपन ने इसको पेस्ट किया। और अब आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आप ये पूरा ब्लॉग पोस्ट कर दीजिए। या फिर आप चाहते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा पोस्ट कीजिए ये सिर्फ, और यहाँ पे लिख दीजिए रीड मोर, ठीक है। ये अपन ने सी किया, और थोड़ा सा और नीचे का कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा कंटेंट ज़रूरी है वो, कंट्रोल सी। और यहाँ पे अपन ने किया, और अपन को ये देखिए इसने कंटेंट जो है ये अपन ने इन्होंने इधर पे लिख दिया है, अपन इधर नीचे लिख दो रीड मोर, रीड मोर के लिए अपन को इधर पे लिंक तो वैसे उसमें फिर भी दे के ही रखी हुई है, लेकिन अपन फिर भी एक बार लिंक दे देते हैं, क्योंकि मैंने भी इसमें इससे पहले कभी लिंक के थ्रू पोस्ट नहीं किया है। तो अपन चेक कर लेते हैं किस टाइप से पोस्ट होता है, फिर अपन इसको ऐड टू क्यू कर सकते हैं, ऐड टू क्यू, सेव एज ड्राफ्ट, पोस्ट प्राइवेटली और शेड्यूल्ड भी अपन इसमें कर सकते हैं। फिलहाल अपन इसको डायरेक्ट पोस्ट करके देखते हैं, और ये यहाँ पे पोस्ट हुआ है कहीं भी, हाँ ये रहा, ये यहाँ पे पूरा पोस्ट हो गया है। और इसके लास्ट में रीड मोर भी दिखा रहा है कि आपको पूरा कंप्लीट आर्टिकल पढ़ना है, लेकिन इसमें अपन को चेक ये करना है कि लिंक का बेनिफिट क्या हुआ। हाँ ये बेनिफिट है इसका कि अगर कोई इस लिंक पे क्लिक करता है, ठीक है, ये देखिए ये खुल गया है, यहाँ पे जो इन्होंने लिंक छोटी सी दे के रखी हुई है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही है अपन को इतना ज़्यादा कंटेंट डालना नहीं था एक्चुअली, ठीक है। ये क्या है ना, ये जो ऊपर का है ये लिंक है, अपन को सिर्फ थोड़ा सा कंटेंट डालना था, वो अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि अपन ने पूरा कंटेंट डाल दिया, वो इधर ही पढ़ लेगा तो आपकी साइट पर फिर क्यों जाएगा। तो आपको चाहें तो कंटेंट ना भी डालें, सिर्फ रीड मोर डाल दीजिए और लिंक डाल दीजिए, या फिर सिंपल सा खाली छोड़ दीजिए, सिर्फ आपकी इतनी पोस्ट रहेगी, और इधर पे इसी में साथ में रीड मोर करके डॉट डॉट डॉट
बस इस टाइप से आपको पोस्ट करना है, ठीक है। अब वे वीडियो हो गया, ऑडियो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें बेस्ट, इसमें और भी ऐसे आप अगर जाएंगे ना तो इनका जो लैब्स ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसमें इन्होंने बहुत सी चीज़ें हैं जो कि प्रोवाइड करके रखी हुई हैं कि मेंबर्स ओनली के लिए इन्होंने बना के रखा है कि सिर्फ मेंबर्स ही देख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे थीम चेक कर सकते हैं, और इसके बाद Q 2.0 भी अपन कर सकते हैं इसमें ऐड। फिर इसमें रीब्लॉगिंग ग्राफ भी है कि आप उनको रीब्लॉग कर सकते हैं, टैग क्राउलर है, इमोजीफाई है, तो ये सब चीज़ें इनके एक्स्ट्रा करिकुलम्स हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं ये साइट की, जो कि एक साइट आपकी बन जाती है। ये जो आपने ब्लॉग पोस्ट वगैरह किए, देखिए अभी मैं इसको रिफ्रेश मैंने किया, अब देखिए मैंने दो ब्लॉग पोस्ट किए थे, वो दोनों ब्लॉग इधर पे शो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको अपन रिफ्रेश करके इसे चेक करते हैं जी कैसा इसका लुक आ रहा है। ये देखिए जो अपन ने दो ब्लॉग अभी पोस्ट किए, अपन ने इसमें इमेज भी डालना भूल गए अपन, तो वरना इमेज से और भी इफेक्टिव दिखाई दिया करता। ये अभी अपन ने नई ब्लॉग पोस्ट की थी और सेकेंड ये, और ये मैंने इससे पहले भी कुछ पोस्ट की हुई हैं, तो ये देखिए सारी इधर दिखाई दे रही हैं, और इनसे क्या है कि ट्रैफिक जनरेट होता है। इसमें ये भी होता है कि ये अपन ने ब्लॉग पोस्ट की, अपन यहाँ पे किसी और का वीडियो डाली, यहाँ पे आप अपना सजेशन डाल सकते हैं कि ये क्या है या इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी इन्होंने बनाई हैं, और आप ये देखिए इसका एड्रेस भी बहुत अच्छा होता है कि anantvijaysoni.tumblr.com। तो इस टाइप से ये इसका लुक अच्छा आता है, ये देखिए इसका लुक एकदम फर्स्ट क्लास है, और इमेज है आपकी, आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं, ये नाम हो गया, ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, और फिर आपके ब्लॉग पोस्ट एकदम सिंपल सा। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, टम्बलर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बैक लिंक के लिए, ट्रैफिक के लिए, यूट्यूब में अपना ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, ये सारी चीज़ों में ये काम आएगा आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा यूट्यूब आपको हर दिन, हर पर डे आपको कुछ अच्छी चीज़ें ही प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों थैंक यू।